क्लास टेंथ के बच्चों से मेरा आग्रह है कि आप ध्यान से मेरी बातों को सुनेंगे। बायोलॉजी का पहला लेसन लाइफ प्रोसेस की शुरुआत आज वीडियो के साथ और बुक जो आपके फ्रंट पर है उसके साथ शुरू करने जा रहा हूँ। पहला पैराग्राफ एनसीईआरटी बुक का कहता है, पहला एक सवाल है, हाउ डू वी टेल द डिफरेंस बिटवीन व्हाट इज ए लीव एंड व्हाट इज नॉट ए लीव। यानी इस पैराग्राफ में हम इस बात पर डिस्कस करेंगे कि कौन सी वस्तु लिविंग है, कौन सी वस्तु नॉन लिविंग है। यही फर्स्ट पैराग्राफ का हमारा कंटेंट है, इसी पर आज हम डिस्कस अभी करने जा रहे हैं। सामान्य तौर पर हम रोड पर दौड़ते हुए कुत्ते, चलते हुए किसी भी आर्टिकल को देखते हैं तो हम कहते हैं कि वो वस्तु लिविंग है। पेड़ के विषय में अगर हम सोचें तो उसको हम क्या कहेंगे, लिविंग या नॉन लिविंग। इस चीज़ को डिसाइड करना है कि पेड़ लिविंग है या नॉन लिविंग है, तो सामान्य व्यक्ति से अगर आप पूछेंगे कि प्लांट्स लिविंग हैं या नॉन लिविंग हैं, तो अगर वह लिविंग कहता है तो उसके कारण को आप पूछेंगे उससे, तो सामान्य व्यक्ति आपको जवाब देगा कि पेड़ हरा है, यानी प्लांट्स आर ग्रीन सो दैट दे आर लिविंग। बट इफ़ यू टेल दिस क्वेश्चन विथ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट देन ही टोल्ड दैट योर आंसर इज नॉट एब्सोल्युटली करेक्ट। अबाउट द लिविंग एंड नॉन लिविंग एमोंग प्लांट्स, अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट टोल्ड यू दैट प्लांट्स कैन ग्रो सो दैट दे आर लिविंग। यानी पहली बात हमने इसमें बताया कि एनीथिंग दैट हैज़ देयर ओन मूवमेंट आर लिविंग, एंड दूसरी बात हमने कहा कि एनीथिंग दैट कैन ग्रो आर लिविंग। लेकिन दूसरी तरफ हम बात करें, अगर ये मन में हमारा सवाल आए कि क्या वे सभी वस्तुएं जो ग्रो करती हैं वो लिविंग हैं, प्लांट के विषय में हमने तर्क दिया, बायोलॉजिकल तर्क दिया कि प्लांट कैन ग्रो सो दे आर लिविंग। बट व्हेन वी थिंक अबाउट द क्रिस्टल्स देन वी फाउंड दैट द स्मॉल क्रिस्टल इमर्ज्ड इन सैचुरेटेड सॉल्यूशन ऑफ पर्टिकुलर थिंग्स कैन ग्रो ग्रेजुअली बट क्रिस्टल्स ऑफ एनी मैटर इज नॉन लिविंग, है ना। सो ओनली ग्रोथ ऑन द बेसिस ऑफ ग्रोथ वी कैनॉट डिसाइड दैट द गिवन थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। व्हेन वी थिंक अबाउट अनदर आस्पेक्ट, अगर आप कुत्ता पड़ा हुआ है कहीं पर रास्ते में सोया हुआ है तो उसके विषय में आप क्या कहेंगे, लिविंग है, वो बोल नहीं रहा है, उसके विषय में आप क्या कहेंगे, तो आप कहेंगे सांस लेते हुए उसके मूवमेंट ब्रेस्ट आगे अप डाउन कर रहा है, तो आप कहेंगे कि डॉग स्लिप्ड ऑन साइड ऑफ द रोड इज लिविंग बिकॉज दे ब्रीथ। बट ऑल दीज थिंग्स डू नॉट क्लियरली डिसाइड्स द गिवन थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग। अ प्रोफेशनल बायोलॉजिस्ट डिसाइड्स अ थिंग इज लिविंग और नॉन लिविंग ऑन द बेसिस ऑफ मॉलिकुलर मूवमेंट इन द फेवर ऑफ डिसीजन ऑफ बायोलॉजिस्ट, दैट इज मॉलिकुलर मूवमेंट डिसाइड्स लिविंग थिंग, मॉलिकुलर मूवमेंट सोन बाई
लिविंग थिंग्स, यानी मॉलिकुलर मूवमेंट डिसाइड्स अ थिंग ए लीव, फॉर विच साइंटिस्ट प्रोवाइड अ प्रूफ एमोंग दियर स्टेटमेंट. साइंटिस्ट कंसिडर या साइंटिस्ट प्रोवाइड अ प्रूफ इन फेवर ऑफ दियर स्टेटमेंट by taking example of virus. As we know that viruses behaves as living if they are in a living cell, and viruses behaves as a non-living things and non-living things if they are on non-living thing. It means yani इस पर हम ये कहें कि वायरसेज डू नॉट शो मॉलिकुलर मूवमेंट इफ दे आर ऑन नॉन लिविंग थिंग्स, एंड व्हाइल वायरसेज शोज मॉलिकुलर मूवमेंट इफ दे आर इन लिविंग सेल. दिस इज अ बोल्ड प्रूफ, अ बोल्ड एविडेंस ऑफ द थिंग्स दैट शोज मॉलिकुलर मूवमेंट हैज लाइफ. Now we think about what is why do molecular movement is essential for every living things. सारे living thing के लिए molecular movement आवश्यक है, क्यों? In order to give the answer of this question, we think about the composition of living body. When we think about the composition of living body, यानी किसी जीव के शरीर की संरचना पर जब हम सोचें, तो आप देखेंगे कि living body tissues, organs, organ system से बना होता है और tissue cells से बना होता है. और जिस environment में कोई living thing होता है वह इन्वायरमेंट उसके बस में नहीं होता, अतः ड्यू टू चेंज इन इन्वायरमेंट लिविंग बींग्स अंडरगोज सेवरल इंजुरीज, सो दैट लिविंग सेल्स अंडरगोज इंजुरीज. इफ एनी सेल गेट डैमेज्ड देन टिश्यू get damaged, and tissue after damaging of tissue, organs get damaged, and organ system get damaged, and ultimately organism get death. So if living beings has to be survive in changing environment, then repairing of damaged cells, tissues and organs become essential so that for maintenance of for repairing of damaged cells or tissue, molecular movement is essential, because everything that is essential for repairing of cells or tissues is not synthesized or absorbed in any one particular part of body. It means particular things is absorbed or synthesized in particular organ, but they has to be utilized on injured part for injured part of the body, so it has to be moved from the organ where they are formed or absorbed to the parts of body where they are required for repairing. So molecular movement decides a thing a leaf, and without molecular movement we do not imagine about the survival of life of anything.
So, biologists decided that molecular movement is the most important criteria that decides a thing alive. तो प्रथम पैराग्राफ प्रथम फर्स्ट जो पेज है एनसीईआरटी का जो इंट्रोडक्शन वाला उस पर हमने बात किया अभी, और ये बात स्पष्ट हुई कि मॉलिकुलर मूवमेंट ही डिसाइड करता है कि कौन सी वस्तु लिविंग है और कौन सी वस्तु नॉन लिविंग है। अब इसमें हम मेंटेनेंस फंक्शन पर हम बात करेंगे। अगला क्वेश्चन है व्हाट आर लाइफ प्रोसेस। अगले लेक्चर में हम इस पर आपसे बात करेंगे।